इंडिया आत्मनिर्भर नहीं हो जाएगा, मतलब जब तक अपने आप में मजबूत नहीं हो जाएगा तब तक कोई भी देश उसकी मदद नहीं करेगा और ऐसी विद्यतियां होती रहेंगी। इंदिरा केम टू नो दैट अंटिल द इंडिया बिकम सेल्फ सफिशियंट, अदरवाइज नो कंट्री विल हेल्प द इंडिया। सो दिस वॉज द मेन रीजन दैट फोर्थ फाइव ईयर प्लान वॉज हैविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रिलायंस। और सर यही कारण था कि चौथी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो आत्मनिर्भरता था, सेल्फ रिलायंस था, आत्मनिर्भर या सेल्फ रिलायंस था। इफ वी टॉक अबाउट द मॉडल, यदि हम मॉडल की बात करते हैं तो मॉडल सर, इसको मॉडल को अशोक रुद्र मॉडल भी कहा जाता है। अशोक रुद्र मॉडल भी कहा जाता है, एलन माने मॉडल भी कहा जाता है और आर गाडगिल मॉडल भी इसे कह दिया जाता है। गाडगिल मॉडल भी कह दिया जाता है, अशोक रुद्र, एलन माने मॉडल भी कह दिया जाता है या इसे गाडगिल मॉडल भी कह दिया जाता है। सो एग्जाम में पूछ लेता है तो कई बार अशोक रुद्र के नाम से पूछ लेता है, कई बार एलन माने के नाम से पूछ लेता है। समटाइम्स एग्जामिनर ऑल्सो आस्क बाय गाडगिल मॉडल। तो याद रखना चौथी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो अशोक रुद्र मॉडल भी कहा जाता है, एलन माने मॉडल भी कहा जाता है और गाडगिल मॉडल भी कहा जाता है। इफ वी टॉक अबाउट द वर्क डन हियर, यदि हम यहां पर बात करें कार्य की, तो सर सबसे पहले कार्य जो हुआ वो उसको समझने की कोशिश करिएगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन में, हरित क्रांति में हमने बात करी थी बीजों की विशेषता, जो हाइल्डिंग वेराइटीज जो यूज करी गई थी, जो उन्नत उपज जो किस्म यूज की गई थी। वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट दोज फीचर्स ऑफ हाइल्डिंग वेराइटीज, हमने उन्नत उपज किस्म के बीजों की विशेषता की बात करी, हमने कहा इन्हें अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, दीज सीड्स हाइल्डिंग वेराइटी सीड्स नीडेड मोर वाटर इरीगेशन, मोर पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड, इन्हें अधिक कीटनाशक की आवश्यकता पड़ती थी, रसायनों की आवश्यकता पड़ती थी, दीज नीडेड मोर फर्टिलाइजर, उर्वरक अधिक चाहिए था, पूंजी अधिक चाहिए थी, यही विशेषता पड़ी थी हमने। अब सर इसका एक सॉल्यूशन हो सकता था, सॉल्यूशन क्या, ये गांव में हो रहा है, किसान के साथ हो रहा है, यदि किसान को किसी तरीके से धन उपलब्ध करा दिया जाए, समहाउ इफ द फार्मर इज गिवन द अमाउंट और गिवन द लोन और गिवन द रुपी और गिवन द मनी टू स्पेंड, देन ही विल अरेंज द इरिगेशन, ही विल अरेंज इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड, ही विल ऑल्सो अरेंज द फर्टिलाइजर एज वेल एज ही विल अरेंज द कैपिटल। भाई जिस किसी तरीके से यदि गांव के किसान को धन उपलब्ध करा दिया जाए तो वह सिंचाई के संसाधन भी जुटा लेगा, कीटनाशक भी जुटा लेगा, उर्वरक भी जुटा लेगा और पूंजी भी जुटा लेगा, ये सारी की सारी चीजें वो कर लेगा। लेकिन सर उस समय की यदि मैं बात करूं तो उस समय तो पैसा है ही नहीं, और उस समय जो जितने अधिकतर बैंक है मेजर, यदि उस समय की स्थिति देखें तो अधिकतर जो बैंक थे वो निजी बैंक थे, अधिकतर वाणिज्यिक बैंक निजी बैंक हुआ करते थे, मेजोरिटी of commercial banks used to be
प्राइवेट बैंक्स। वाणिज्यिक बैंक। अब सर आपको ये समझने की जरूरत है कि वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं। यू हैव टू हैव अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियल बैंक्स। सबसे पहले ये समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। हमने ये एक स्टेटमेंट दिया, हमने एक ये कहा कि उस समय जितने भी ज्यादातर वाणिज्यिक बैंक तो वो निजी बैंक हुआ करते थे, लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा सर वाणिज्यिक बैंक होते क्या हैं। वी हैव ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द कॉमर्शियल बैंक्स और व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्शियल बैंक्स। तो सर कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं? वह बैंक, वाणिज्यिक बैंक वह बैंक होते हैं जो सीधे उपभोक्ता से व्यवहार करते हैं। आपने कहा सर ठीक है, रट लेंगे हम, याद कर लेंगे, रट्टा मारो जिंदाबाद कर लेंगे कि हाँ वाणिज्यिक बैंक वह बैंक होते हैं जहां वह सीधे उपभोक्ता से व्यवहार करते हैं। लेकिन आप हमें ये बता दीजिए, ऐसे बैंक बता दीजिए जो सीधे उपभोक्ता से व्यवहार नहीं करते हैं। फिर मैं कहूंगा हाँ जी बिल्कुल, ऐसे बैंक मैं बताता हूँ आपको। फिर मैं आपको बताता हूँ नाबार्ड। नाबार्ड में क्या आप लोग, हम लोग, मैं, आप क्या जाकर अपना खाता खोल सकते हैं, बैंकिंग कर सकते हैं क्या नाबार्ड में? नहीं सर। आरबीआई, क्या आप, हम, मैं जाकर बैंकिंग कर सकते हैं? ना, जाओ जाओ, तुम जाओ जमा करा लो, ना करवा लो, चलो चलो जाओ करवा सकते हो क्या? नहीं सर। नाबार्ड हुआ, आरबीआई हुआ, इसके अलावा एक्जिम बैंक, क्या आप अपना पैसा जाकर वहां जमा करा सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं? नहीं सर। नेशनल हाउसिंग बैंक? नहीं सर। तो वो सारे के सारे क्या है? गैर वाणिज्यिक बैंक है। लेकिन एसबीआई में जाकर आप लेन देन कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर लेंगे सर। वो थोड़ी सी बदतमीजी करेंगे एसबीआई वाले, क्योंकि उनका तो हक बनता है। एचडीएफसी बैंक, यस बैंक, देना बैंक, लेना बैंक, पीएनबी बैंक, वो बैंक, ये बैंक, जिन बैंकों में हम लोग जाते हैं, जहां हम जाकर खाता खोल सकते हैं, जहाँ या हम बैंकिंग कर सकते हैं, चाहे बदतमीजी करें वो बैंक वाले, एसबीआई वाले, तो बात अलग है, लेकिन हम तो कर ही सकते हैं ना, हमारा अधिकार है वो। तो उन बैंकों को वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। तो वाणिज्यिक बैंक वह बैंक होते हैं, लिखो, वाणिज्यिक बैंक वह बैंक होते हैं जिनसे, वाणिज्यिक बैंक वह बैंक होते हैं जिनसे उपभोक्ता, जिनसे उपभोक्ता सीधे व्यवहार कर सकता है, जिनसे उपभोक्ता सीधे व्यवहार कर सकता है कमर्शियल बैंक्स आर दोज बैंक्स विद विच ए कस्टमर कैन डायरेक्टली, ए कस्टमर कैन डायरेक्टली डू बैंकिंग। एग्जाम्पल क्या होंगे बेटा, उदाहरण क्या होंगे? यस बैंक, एसबीआई, पीएनबी, देना बैंक, हाँ, आईडीबीआई, एचडीएफसी, ये सारे के सारे क्या हैं? वाणिज्यिक बैंक है, कमर्शियल बैंक है सर। ठीक है जी। इसके साथ साथ एक और चीज लिख लो, भारत में नॉन कमर्शियल बैंक और लिख लो, गैर वाणिज्यिक बैंक कौन से होते हैं? गैर वाणिज्यिक बैंक वह बैंक होते हैं जो सीधे उपभोक्ता से व्यवहार नहीं करते हैं। अरे बोलो यस और नो, क्लियर है कंसेप्ट? क्लियर है ना? बार बार नहीं समझाऊंगा। गैर वाणिज्यिक बैंक, भाई इसकी परिभाषा लिखो, गैर वाणिज्यिक बैंक वह बैंक होते हैं जो सीधे उपभोक्ता से व्यवहार नहीं करते हैं। गैर वाणिज्यिक बैंक वह बैंक होते हैं जो सीधे उपभोक्ता से व्यवहार नहीं करते हैं। नॉन कॉमर्शियल बैंक्स आर दोज बैंक्स विच डू नॉट डायरेक्टली डील्स विद द कस्टमर, विच डू नॉट डायरेक्टली डील्स विद द कॉमन मैन।
नॉन कमर्शियल बैंक्स आर दोज बैंक्स विच डू नॉट डायरेक्टली डील्स और डू नॉट डायरेक्टली इंटरलिंक्स विद दी डू नॉट डायरेक्टली डील्स विद दी कॉमन मैन. आरबीआई हुआ, नाबार्ड हुआ, नेशनल हाउसिंग बैंक हुआ, इसके अलावा एक्जिम बैंक हुआ, ऑल दीज आर नॉन कमर्शियल बैंक्स ऑफ इंडिया. क्लियर माई पॉइंट. चलिए सर, अब हम बात क्या कर रहे थे कि सर उस समय अधिकतर वाणिज्यिक बैंक निजी बैंक हुआ करते थे, प्राइवेट बैंक हुआ करते थे. सर निजी, कोई भी निजी कंपनी होगी वो किस लिए काम करती है? निजी कंपनी किस लिए काम करती है? क्या चाहिए उसे? भाई आज रिलायंस, अडानी या टाटा या बिरला, टाटा को हटा दो, रिलायंस वगैरह किस लिए काम करती हैं? लाभ के लिए काम करती हैं, प्रॉफिट के लिए काम करती हैं. सर किसके लिए काम करती हैं? प्रॉफिट के लिए काम करती हैं. तो ऐसे में जो प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, तो ऐसे में जो निजी बैंक है वो भी किसके लिए काम कर रहे हैं? सर प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं. निजी बैंकों को लाभ अधिक कहाँ होगा? निजी बैंकों को लाभ अधिक कहाँ होगा? तो सर जहाँ लेन देन अधिक होगी वहाँ लाभ अधिक होगा, ऑब्वियस सी बात है. बैंक में जितनी लेन देन ज़्यादा होगी उतना ही बैंक को लाभ भी ज़्यादा होगा. तो निजी बैंक को लाभ अधिक कहाँ होगा? जहाँ लेन देन अधिक होगी. और लेन देन अधिक कहाँ पर ज़्यादा होगी? शहरों में कि गाँवों में? सर शहरों में लेन देन ज़्यादा होगी, तो शहरों के अंदर. तो ऐसे में निजी बैंक अपने आप को कहाँ तक रोक लेंगे? निजी बैंक कहाँ रह जाएंगे? शहरों में रह जाएंगे. इसलिए निजी बैंक अपने आप को कहाँ पर क्षेत्रित कर लेते हैं? शहरों के अंदर निजी बैंक अपने आप को रख लेते हैं. ठीक है जी, ये समझ में आया आपको? ये पॉइंट समझना पड़ेगा तब जाकर आगे चीज़ें क्लियर होंगी. क्लियर है मेरा पॉइंट ये कि सर निजी बैंकों को लाभ ज़्यादा होता है शहरों में, इसलिए उस समय जो ज़्यादातर बैंक थे वो निजी बैंक थे और उन्होंने भी अपने आप को शहरों तक रोक रखा था. आरबीआई गवर्नर हैं उस समय एलके झा साहब, लक्ष्मीकांत झा. लक्ष्मीकांत झा उस समय आरबीआई के गवर्नर हैं. क्या हैं? आरबीआई के गवर्नर हैं लक्ष्मीकांत झा साहब. ऐसे में लक्ष्मीकांत झा साहब से पूछा गया कि क्या इलाज करना चाहिए, क्योंकि इंदिरा तो ये चाहती थी कि आत्मनिर्भर भारत बने, सेल्फ रिलायंस की बात कर रही थी. इंदिरा ये भी चाहती थी कि भारत में खाद्यान्न संकट नहीं उपजे, भारत में हर जगह हरित क्रांति फैले. ऐसे में बैंकों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है. तो लक्ष्मीकांत झा साहब की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाती है, एलके झा समिति. क्या बोला गया उसे? एलके झा समिति बोला गया. एलके झा समिति, एलके झा कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग. भारत में बैंकिंग को समझने के लिए या उन बैंकों को समझने के लिए एलके झा साहब की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई. तो एलके झा साहब सुझाव आते हैं, एलके झा के रिकमेंडेशन ये आती हैं, सुझाव ये आते हैं. व्हाट वर द रिकमेंडेशन ऑफ एलके झा कमेटी? सो द रिकमेंडेशन ऑफ एलके झा कमेटी वॉज, रिकमेंडेशन ऑफ एलके झा कमेटी वॉज, ऐसे बैंक जो एक साल में सालाना 50 करोड़ से ज्यादा का लेन देन कर रहे हैं, ऐसे बैंक जो एक साल में 50 करोड़ से ज्यादा का लेन देन कर रहे हैं उन्हें, उन बैंकों को सरकार खरीद ले. देखो मैं आपको एक छोटा सा फिनोमिनन और बताता हूं, वापस आएंगे इस टॉपिक पर भी, वापस आ जाएंगे, डोंट यू वरी गाइस. ये सरकार है, सरकार कोई कंपनी है. सरकार कंपनी के साथ दो काम कर सकती है, या तो किसी कंपनी को वो खरीद ले या किसी कंपनी को वो बेच दे. गवर्नमेंट कैन डू आइदर टू थिंग्स, आइदर गवर्नमेंट विल बाय दैट प्राइवेट कंपनी और विल सेल दैट पब्लिक कंपनी.
या तो सरकार की अपनी कंपनी को वो बेच देगी या निजी कंपनी को खरीद लेगी। तो सर जब सरकार किसी निजी कंपनी को खरीदती है, किसको? निजी, ऑब्वियस सी बात है, सरकार सरकारी कंपनी को तो खरीदेगी नहीं, खुद की कंपनी को कौन खरीदता भाई। जब सरकार खुद निजी कंपनी को खरीदती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं नेशनलाइजेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नेशनलाइजेशन। नेशन के नाम कर देती है, मतलब राष्ट्र के नाम कर देती है। दिस होल प्रोसेस ऑफ बाइंग आउट द प्राइवेट कंपनीज बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज नेशनलाइजेशन। ये जो सारी की सारी निजी कंपनी को खरीदने की, सरकार द्वारा खरीदने की प्रक्रिया है, इसे राष्ट्रीयकरण कहा जाता है, क्योंकि ये राष्ट्र के नाम हो जाती है। क्या नाम हो जाती है? राष्ट्र के नाम। सरकार कंपनी बेचेगी तो भाई सरकारी अपनी कंपनी बेचेगी। आप सामान बेचोगे तो अपना बेचोगे, दूसरे का तो बेच नहीं सकते। बंटी बबली तो होनी कि भाई तुमने लाल किला बेच दिया या अपने ताजमहल बेच दिया। सरकार अपनी कंपनी बेचेगी, और कंपनी बेचेगी तो अपने आप को तो बेचेगी नहीं, निजी लोगों को बेचेगी। दिस होल प्रोसेस ऑफ सेलिंग गवर्नमेंट कंपनी टू द प्राइवेट एंटिटी इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन। और ये जो पूरी प्रक्रिया है कि सरकारी उद्योगों को निजी उद्योगपतियों में बेच देना, इसे कहते हैं निजीकरण। क्लियर है मेरी बात? चाहे डेफिनेशन लिख लीजिएगा, चाहे डेफिनेशन लिख लो, नेशनलाइजेशन की तो लिख लो, आगे निजीकरण की भी लिखवा दूंगा। प्लीज राइट इट डाउन, व्हाट इज नेशनलाइजेशन लिखिएगा। राष्ट्रीयकरण की नीति के अंतर्गत लिख लीजिएगा, राष्ट्रीयकरण की नीति के अंतर्गत सरकार द्वारा, राष्ट्रीयकरण की नीति के अंतर्गत सरकार द्वारा निजी कंपनी को, राष्ट्रकरण की नीति के अंतर्गत सरकार द्वारा निजी कंपनी को खरीद लिया जाता है, सरकार द्वारा निजी कंपनी को खरीद लिया जाता है, तो एलके झा समिति के सुझाव क्या आते हैं? एलके झा समिति सुझाव देती है कि 50 करोड़ से अधिक वार्षिक टर्नओवर, राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। All those banks which have a turnover of more than 50 crore ऐसे समस्त बैंक जिनका वार्षिक लेन देन 50 करोड़ से ज्यादा का है, उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। ये किसने कहा? एलके झा साहब ने कहा। और इन्हीं के सुझावों पर 19 जुलाई 1969 को भारत सरकार द्वारा 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। वाणिज्यिक बैंक समझ गए जी? बिल्कुल। 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। किस समिति के सुझाव पर किया गया? सर एलके झा समिति के सुझाव पर 14 कॉमर्शियल बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया गया दोस्तों? तो यह कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? चौथी पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही है दोस्तों, और इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 19 जुलाई 1969 को दोस्तों। और ये 14 बड़े बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ है, 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड,
ये दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, और ये पहला मर्तबा भारत में हुआ कि एक साथ इतने सारे वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। और इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, ये जो राष्ट्रीयकरण हुआ, ये जो नेशनलाइजेशन हुआ, इसे वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण का, वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण कहा जाता है। राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण कहा जाता है, एंड दिस नेशनलाइजेशन इज नोन एज फर्स्ट स्टेज ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक, फर्स्ट स्टेज ऑफ नेशनलाइजेशन, और इसे राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण कहा जाता है। कब हुआ? 19 जुलाई 1969 को। कितने बैंकों का हुआ? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ। दोस्तों, क्लियर है मेरी बात? इतनी बातें क्लियर है। अब सर वर्ष आ जाता है 1970। एक बात समझिएगा, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, सेल्फ रिलायंट बनाना है, खाद्यान्न में भी ध्यान देना पड़ेगा। आपको बैकड्रॉप में कहानी सुनाता हूं। 1965 में एक और संस्थान की स्थापना हुई थी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की। कौन सी? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड वॉज स्टाब्लिश्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना हो चुकी थी। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड वॉज एस्टाब्लिश्ड इन 1965। कहां पर? गुजरात, आनंद के अंदर। आनंद गुजरात के अंदर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड वॉज स्टाब्लिश्ड। और राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, विकास बोर्ड का उद्देश्य क्या था? क्यों बनाया गया था? भारत में डेयरी का विकास करने के लिए, टू मिल्क जो है, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए, एवं दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 1965 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड वॉज स्टाब्लिश्ड इन आनंद गुजरात। याद रखना, मदर डेयरी भी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की सब्सिडरी कंपनी है, सहायक कंपनी है। ये आमतौर पर बहुत कम लोगों को पता होता है कि जो मदर डेयरी है वो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की सहायक कंपनी है। मदर डेयरी, मदर डेयरी के दूध वगैरह, बटर वगैरह, ये जो आते हैं ना, अमूल जैसे हुआ, वैसे ही मदर डेयरी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की सहायक कंपनी है। सर 1970, वर्गीज कुरियन इसके चेयरमैन हैं। वर्गीज कुरियन साहब अध्यक्ष हैं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के। वर्गीज कुरियन एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, और ये बेसिकली न्यूजीलैंड से ट्रेनिंग लेकर आए थे और अपनी इंटर्नशिप कर रहे थे गुजरात में, कायरा जिले के अंदर। कहाँ? कायरा डिस्ट्रिक्ट वॉज दैट, गुजरात का कायरा डिस्ट्रिक्ट। तो गुजरात के कायरा डिस्ट्रिक्ट में, कायरा जिले में कुछ दुग्ध उत्पादक जो थे, जो मिल्क प्रोड्यूसर थे, जो दुग्ध, जो मिल्क प्रोड्यूसर फार्मर्स जो थे, दुग्ध उत्पादक जो थे, उन्होंने मिलकर एक सहकारी संगठन बना लिया था। क्या बना लिया था? सहकारी संगठन बना लिया था दूध बेचने के लिए कायरा जिले के अंदर। ठीक है, कॉपरेटिव सोसाइटी वॉज मेड एज द कायरा डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन। कायरा जिला दुग्ध उत्पादन समिति या दुग्ध उत्पादन संघ बना लिया था, जो आगे चलकर दोस्तों अमूल बनेगा, और उसमें भी वर्गीज कुरियन साहब का बड़ा सहयोग रहा था। तो इसको प्रोत्साहन दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री ने, लिख लीजिएगा, लाल बहादुर शास्त्री साहब द्वारा, लाल बहादुर शास्त्री द्वारा भारत में सहकारी आंदोलन को या सहकारी संगठनात्मक रचना को प्रोत्साहन दिया गया। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़
वर प्रमोटेड बाय लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है जी। अब 1970 के अंदर वर्गीस कुरियन साहब इसके अध्यक्ष बना दिए गए, अब जोर दिया गया कि भैया अब कुछ करो। तो 1970 में दोस्तों, 1970 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। क्या चलाया गया? ऑपरेशन फ्लड चलाया गया दोस्तों, फ्लड, हाँ, ऑपरेशन फ्लड चलाया गया 1970 में, जिसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि भारत में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि दोस्तों, ठीक है जी। तो ये तीन चरणों में हुआ। जो पहला चरण था, फर्स्ट जो साइकिल था, वो 1970 से लेकर 1980 तक रहा। जो दूसरा चरण था, सेकंड स्टेज जो था, वो 1981 से लेकर 1985 तक रहा। और जो तीसरा चरण था, थर्ड स्टेज, वो 1985 से लेकर 1996 तक रही। इन तीन स्टेजेस में ऑपरेशन फ्लड लागू किया गया, चालू किया गया दोस्तों। कितने स्टेजेस में? इन तीन स्टेजेस में। क्लियर है? इतना लिख लो, जल्दी से लिख लो, तब तक मैं एक कॉमन पॉइंट देख लूं अपना। लिख लो बेटा, लिख लो, जल्दी लिखो। लिख लिया? पहला जो स्टेज था, क्या कह रहे हो? सब समझ आ रहा नहीं, मतलब अच्छा लिख लिया ना। पहला जो स्टेज था सर, इसका जो वित्त पोषण किया गया था, इसको जो फाइनेंशियल हेल्प जो दी गई थी, फाइनेंशियल न्यूट्रिशन जो दिया गया था, फाइनेंस जो किया गया था, वो किया गया था यूरोपियन संघ एवं ये याद रखना ही पूछ लेता है, यूरोपियन संघ एवं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के द्वारा। खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा इट वॉज हेल्प फाइनेंस बाय यूरोपियन काउंसिल एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, जो कि यूनाइटेड नेशंस का होता है ना FAO। पहले चरण में दोस्तों, यदि पहले चरण की मैं बात करूं, तो पहले चरण में मिल्क शेड विकसित किए गए। मिल्क शेड समझते हो? मिल्क शेड मतलब कलेक्शन सेंटर्स जो होते हैं उन्हें मिल्क शेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्क शेड बोलते हैं, या मिल्क शेड ही बोलते हैं। तो पहले चरण में मेरे प्यारे साथियों याद रखना, 18 मिल्क शेड्स वर डेवलप्ड, 18 मिल्क शेड डेवलप कर दिए गए थे। मिल्क शेड मतलब मिल्क दुग्ध उत्पादन क्लस्टर्स जो बोलते हैं ना, गांव का समूह, जैसे एक पूरा भारत है, अब इसमें इस एरिया के अंदर दूध उत्पादन होता है, तो यहां पर एक ग्रिड बना दी, इनसे कलेक्शन सेंटर इनका और इस मिल्क प्रोसेसिंग सेंटर सब ये विकसित कर दिया गया। तो दूध को यहीं पर इकट्ठा कर लिया गया, यहीं पर प्रोसेस कर दिया गया। तो पहले चरण में 18 मिल्क सेड विकसित किए गए।
दूसरे चरण के अंदर 136 मिल्क शेड विकसित किए गए, याद रखना ये भी पूछ लिया जाता है, मिल्क शेड विकसित किए गए, और तीसरे चरण में 196 मिल्क शेड विकसित किए गए। तीसरे चरण में कितने मिल्क शेड विकसित किए गए? 196 मिल्क शेड विकसित करे गए। और जब ये खत्म होते हैं, ये ऑपरेशन फ्लड के तीनों चरण खत्म होते हैं, जहां पूर्व में जहां पूर्व में 100 ग्राम पर पर्सन मिल्क अवेलेबिलिटी थी, दुग्ध की जो अवेलेबिलिटी है वो पहले 100 ग्राम प्रति व्यक्ति थी, इस दुग्ध क्रांति के बाद, इस ऑपरेशन फ्लड के बाद में 200 ग्राम पर पर्सन हो गया, 200 ग्राम प्रति व्यक्ति हो गया दूध की उपलब्धता, 200 ग्राम प्रति व्यक्ति हो गई। तो इस ऑपरेशन फ्लड के कारण काफी दूध उत्पादन में काफी विकास हुआ, इसीलिए ऑपरेशन फ्लड को दोस्तों मिल्क रेवोल्यूशन कहा जाता है, दुग्ध क्रांति कहा जाता है, और दुग्ध क्रांति को श्वेत क्रांति भी कह देते हैं, श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कह देते हैं, या धवल क्रांति भी कह देते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, इस श्वेत क्रांति या इस दुग्ध क्रांति या धवल क्रांति के सूत्रधार कौन है? तो सूत्रधार वर्गीज कुरियन साहब हैं, इसीलिए दुग्ध क्रांति के जनक कहे जाते हैं भारत में, दुग्ध क्रांति के जनक कहे जाते हैं, फादर ऑफ मिल्क रिवोल्यूशन इन इंडिया या फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया इज डॉक्टर वर्गीज कुरियन साहब। वर्गीज कुरियन साहब को इसीलिए दुग्ध क्रांति के पिता कहे जाते हैं दोस्तों। क्लियर है मेरी बात? इतनी बातें क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। वेरी गुड। चलिए, ठीक है जी, इस तरीके से भारत में दुग्ध क्रांति हो जाती है 1971। याद रखना ये सारी के सारी, ये मिल्क आपके, देखो आज दो टॉपिक मैंने आपके सिलेबस में देखोगे ना, तो दो टॉपिक पे टिक लगा देना, एक तीन टॉपिक पे टिक लगा देना। कौन कौन से टॉपिक आपने कवर कर लिए? हरित क्रांति आपके अलग से टॉपिक दे रखा है, वो आपने आज कवर कर लिया। दुग्ध क्रांति, वो आपके अलग से टॉपिक दे रखा है, वो आज हमने कवर कर लिया। इसके अलावा बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये अबर ने टॉपिक कवर कर लिया। देखो तो भाई बढ़िया कवर कर रहे हैं अपन, टेंशन ना लो, आपका सिलेबस पूरा ढंग से अच्छे से होगा। ये तीन टॉपिक हमने कवर कर भी लिए, पता भी नहीं चला। चलो भाई, अब 1971 में क्या हो जाता है दोस्तों? 1971 भी बड़ा क्रूशियल ईयर है। 1971 के अंदर दोस्तों हुआ यूं कि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत का बंटवारा दो हिस्सों में हुआ। इस तरफ बना पश्चिमी पाकिस्तान और इधर बना पूर्वी पाकिस्तान। दो पाकिस्तान बने और भारत के टुकड़े दो हुए, पूर्व में और पश्चिम में। अच्छा, तो पश्चिम का विभाजन था वो इतना खतरनाक विभाजन नहीं था, क्योंकि बीच में यहाँ थार का मरुस्थल पड़ता है, तो यहाँ रहने वाले लोग और यहाँ रहने वाले लोगों में सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषाई काफ़ी विविधता है, मतलब काफ़ी भिन्नता है, दोनों अलग हैं। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ, ये हुआ तो विभाजन बंगाल का ही विभाजन था, तो यहाँ भी रहने वाले लोग और यहाँ रहने वाले लोग दोनों ही भाषाई रूप से भी, राजनीतिक चेतना के रूप में भी, संस्कृति के रूप में भी और धार्मिक मान्यताओं के रूप में भी एक ही थे। तो इनका अटैचमेंट रहा हमेशा, आज भी इनका अटैचमेंट है। अब पाकिस्तान ने गलती ये कर दी कि देखो, दुनिया के कुछ ही उदाहरणों में से एक उदाहरण ये रहा कि एक देश दो अलग अलग जगह पर व्यवस्थित था। ऐसे कभी भी नहीं, दूसरा देश ऐसे नहीं चलता कभी भी। आपकी ज़मीन हो, यहाँ और आपके बीच में किसी और की ज़मीन हो, तो यूजुअली वो तो चल जाएगा, चलो रास्ते से चले गए आप। लेकिन रास्ते से जाने के लिए कंट्रोल करना पड़ेगा, और यहाँ पर लोग रहते हैं दूसरे देश में, अब इनको कंट्रोल कैसे करोगे? और जहाँ भी हमेशा एक मानव की
व्यथा होती है, मानव का मस्तिष्क होता है कि वो अपने आप को आजाद महसूस करना चाहता है, होता नहीं है वो कभी भी, बस उसे चाहिए, कहने के लिए आजादी चाहिए, अपने आप को अच्छा फील करवाता है वो। इधर दोस्तों ढाका यूनिवर्सिटी, ढाका विश्वविद्यालय के अंदर छात्र लोग मिलने लगे और पश्चिम पूर्वी पाकिस्तान की आजादी की मांग करने लगे। तो ऐसे में पश्चिमी पाकिस्तान ने अपनी सेनाएं भेज दी यहां पर, और सेना का तो आप जानते हो सेना कंट्रोल कैसे करती है, तो सेना कंट्रोल करती है पीट कर मार कर गोली निकाल कर। तो पूर्वी पाकिस्तान में जुल्फिकार भुट्टो साहब, माफ कीजिएगा, शेख हसीना साहब के पिताजी थे, नाम भूल गया मैं उनका, मुजिब्बर रहमान साहब के द्वारा आवामी लीग एक पार्टी बना दी गई। मुजिब्बर रहमान यहाँ भारत में आते हैं, इंदिरा गांधी से मिलते हैं और अपनी समस्या बताते हैं कि मैडम हम अलग देश चाहते हैं और ये पश्चिमी पाकिस्तान हमारे साथ जीनोसाइड कर रहा है, हमारे हजारों लाखों लोग रोज मारे जा रहे हैं, लड़कियों को रेप किया जा रहा है पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा, बहुत घृणात्मक काम यहाँ पर हो रहे हैं। इंदिरा गांधी ने कहा जाता है कि मदद करी मुजिब्बर रहमान की और धन दिया लड़ने के लिए, बंदूकें वगैरह उपलब्ध करवाई और बांग्ला मुक्ति वाहिनी जैसी एक सेना की ट्रेनिंग भारत दे देता है, एक सेना बनाई जाती है बांग्ला मुक्ति वाहिनी। सही समय पर वह पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला मुक्ति वाहिनी आकर ये पश्चिमी पाकिस्तान की जो सेना थी इससे भिड़ जाती है, इनको काटती है, मारती है और भगाने लग जाती है। अब पाकिस्तान को लगा कि ये भारत का सारा गेम है, भारत की तरफ भी उसने फ्रंट खोल दिया, इधर से भी फ्रंट खोल दिया और युद्ध होने लगा। युद्ध होने लगा, भारत ने कुछ राजनीतिक या कुटिल जो इनकी जो ब्यूरोक्रेसी थी वो काफ़ी अच्छी थी, श्याम मानेकशॉ उस समय आर्मी चीफ थे, तो इन लोगों ने राजनीति खेली और उस समय पाकिस्तान जो हमसे ज़्यादा मजबूत हुआ करता था सुरक्षा के मामले में, हमसे ज़्यादा टैंक हुआ करते थे, हमसे ज़्यादा बंदूकें हुआ करती थी, हमसे ज़्यादा मिसाइलें उनके पास हुआ करती थी, उस पाकिस्तान को हमने पब्लिकली सरेंडर करवा दिया, सार्वजनिक समर्पण करवा दिया और दोस्तों एक नए देश का निर्माण करवाया, उसे बोला जाता है बांग्लादेश। क्या बोला जाता है? बांग्लादेश। तो इस तरीके से 1971 बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जिसे बोलते हैं, बांग्लादेश स्वतंत्रता युद्ध होता है और उसके परिणाम स्वरूप शिमला समझौता होता है। शिमला समझौते के अंदर समझौता होता है और हम लोग उनके सैनिक छोड़ देते हैं, ऐसे तमाम सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इसके कारण एक समस्या हुई कि भैया जो यहाँ पर अस्थिरता हुई, जो यहाँ पर युद्ध हुआ, हम कहने के लिए कह देते हैं आम लोग कि हमें पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए, युद्ध क्यों नहीं लड़ते हैं? हम बार बार ये कहते हैं, लेकिन बेटा युद्ध के परिणाम अच्छे कभी भी नहीं होते, युद्ध का नतीजा बहुत ही गंदा होता है। और आम जो लोग होते हैं हमें कहने के लिए अच्छा लगता है कि युद्ध कर लो, युद्ध कर लो। एक दो दिन बाद में जब हम खाना खाने के लिए बाहर नहीं जा पाएंगे, एक दो दिन के बाद जब हम लोग कमाई के लिए बाहर नहीं जा पाएंगे तो हम कोसने लगेंगे और ज़्यादा लंबा समय चला गया तो हम लोग कहीं और चले जाएंगे, पलायन कर जाते हैं लोग। तो ऐसे में लाखों की संख्या में बांग्लादेशी शरणार्थी, बांग्लादेशी व्यक्ति भारत में पलायन कर जाते हैं और इसे ही कहा गया बांग्लादेशी शरणार्थी समस्या, शरणार्थी समस्या। हजारों लाखों की संख्या में बांग्लादेशी लोग भारत में पलायन कर जाते हैं और भारत सरकार उन्हें यह आश्वासन दिलाती है कि आपके लिए रहने खाने पीने की व्यवस्था हमारे द्वारा कर दी जाएगी, आप आराम से रहिए। और इस कारण से बांग्लादेशी शरणार्थी समस्या उपजती है और वापस से बाजार में खाद्यान्न संकट उपजने लगता है, खाद्यान्न संकट होने लगता है, फूड स्कार्सिटी फिर से देखने को मिलती है, फूड स्कार्सिटी वॉज ऑल्सो अगेन सीन इन इंडिया। इस तरीके से चौथी पंचवर्षीय योजना इसके बीच 1974 में ख़त्म हो जाती है 1974 में। क्लियर है? ये था आपका फोर्थ फाइव ईयर प्लान। ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? चौथी पंचवर्षीय योजना। टाइम फॉर डाउट, प्लीज़ आस्क योर डाउट, वट एवर डाउट यू हैव, कोई भी डाउट हो तो आप डाउट पूछ सकते हैं, जल्दी से पूछिएगा क्योंकि अगले टीचर की क्लास आ चुकी है। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क।
कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लो। ए किसका खुल गया? अपना ही खुला है ना। अपना नहीं खुला। टेलीग्राम पे भी क्या खुल जाएगा। हाँ जी, प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डाउट। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। आप लोग डाउट क्यों नहीं पूछते? या तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आता है या आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। कब खून खोलेगा बताओ? तुम बोलो, तुम लोग बताओ कब पूछोगे यार? चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक ले ध्यान रखना, ख्याल रखना। अच्छा क्वेश्चन डलवा दिए मैंने, क्वेश्चन डल गए हैं, पहले को चैप्टर के क्वेश्चन डल गए हैं। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।